उनके बाद हजरत वहाँ पे लिया हुआ है, आप जानते होंगे पहले की घटना हुई थी। तो उसका सेफ जोन है बेसिकली, ये या कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं था इसके लिए। हाँ तो मैंने कहा ना कि एक तो ठौर ठिकाना है, होल्ड है, भाई हम लोग के पास बटने का समय नहीं होता है ना, पैसा होता है, पास मिलता है। उस पर नजर रखने के लिए एटीएस ने कुछ प्लान बनाया है, किस तरह का चल रहा है, क्या कुछ है, ऐसे कोई टारगेट है कि इनके जरिए इनके आर्थिक स्रोत पर भी प्रहार किया जाएगा ताकि वो कमजोर पड़ सके अपने संगठन को चलाने। ये ऑफ कोर्स जो अर्न करता है और अर्न का स्वरूप क्या है, उसकी एक्टिविटीज के लीगल है कि इलीगल है, और उसके एसेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, हम लोग उसका प्रोफाइलिंग कराते हैं, उसके डेटाबेस तैयार किया जाता है, साथ ही उसके वो जो साधन आंकी पड़ताल की जाती है किस साधन से ये संपत्ति अर्जित की गई है, और ज्ञात होता है कि अपराध की दुनिया से, एक्सटॉर्शन की दुनिया से या कुछ गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, उसका प्रोफाइलिंग करके विस्तृत अनुसंधान विश्लेषण के उपरांत हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हैं। आप पास में भी देखा होगा कि बहुत सारे गैंगस्टर यहाँ पे हैं जिसके संपत्ति का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। ठीक है सर। हम लोगों के एविडेंस की तलाश है कि आखिर कौन सा लैंड था, कौन सा रकम था जिसको लेकर दोनों में गैंगवार हुआ था। क्षेत्र है इसमें अपने राज्य में संगठित असंगठित, चाहे वो कोई भी गैंगस्टर हो, माफिया हो, डॉन हो, आर्म सप्लायर हो, ड्रग्स नार्कोटिक के काम करने वाले हो, या किसी भी तरह के ऐसे कृत्य जिससे कि राज्य में अमन शांति खराब हो, हम लोग उसको अपने ट्रैक पर रखे हुए हैं। आपने पास्ट में भी देखा है कि ATS की तरह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, तो जो हम लोग की परिपाटी परंपरा है कि आगे भी जारी रहेगी। लेट्स होप कि आने वाले समय में कुछ आप लोगों को अच्छे कैच देखने को मिले। जब छापेमारी की गई थी जिनके साथ के पिताजी थे, पिताजी को छोड़ दिया गया है। फॉरेन पहुंचाइए था या वहीं पर ठिकाना बनाया? जैसे मैंने पूर्व में कहा कि गैंगस्टर है, इसका रहने का ढंग सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम कहीं और होता है, कि कहीं भी किसी एक जगह पर छिपके नहीं रहता था, हमेशा दो चार घंटे के बाद लोकेशन चेंज उसका होता था। बट हर पुराने जगह पे अपना कुछ ट्रेल लीलक छोड़ के चलता है, तो पुलिस के पास उसी ट्रेल की जरूरत होती है, और ट्रेल को फॉलोअप करते करते, एनालिसिस करते करते हम लोग अपने जो टारगेट है उसको हम लोग चेस करते हैं। ठीक है। पिछले कुछ समय से झारखंड राज्य के लिए, विशेष करके रांची जो शहर में जो कुछ प्रचलित संस्थान हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके बीच एक नए गैंगस्टर, जितने पुराने गैंगस्टर जो कि बीच में जेल में था, जेल से छुट्टी आने के बाद फिर से काफ़ी चर्चाओं में था, और आप लोग को याद होगा कि कुछ महीने पहले मोराबादी में घटना को भी अंजाम दिया गया था, साथ ही बिजनेसमैन के बीच, डेवलपर के बीच और जमीन व्यवसायियों के बीच एक आतंक के रूप में लप्पू शर्मा का नाम काफ़ी फैल रहा था, और एक्सटॉर्शन करना, रंगदारी के रूप में धमकी देना, राह चलते लोगों को गोली चलवाना, और जमीन कारोबार के बीच बैठ बना के अपनी गतिविधि बढ़ाना, अपने ग्रुप के माध्यम से आतंक कायम करना, इसकी परिपाटी में था। इसकी अरेस्टिंग के लिए एक बहुत ही विशेष प्रयास इनफैक्ट राज्य के स्तर से किए जा रहे थे, और इसमें जो है ATS की टीम भी क्रियाशील थी। जैसे आप सब जानते हैं कि जो ATS का जो कार्य क्षेत्र है उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम, क्रिमिनल, गैंगस्टर्स, ड्रग्स नार्कोटिक्स, आर्म्स सप्लायर, आर्म्स डीलिंग करने वाले और भी तमाम तरह की एक्टिविटीज को हम लोग उस पर अपने फोकस में लाते हैं। तो जब ATS की टीम ने जब काम स्टार्ट किया तो हम लोग के पास बहुत सारे कंप्लेन आना शुरू हुआ। इनफैक्ट कुछ कंप्लेन यहाँ भी आए कि सर हम अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बट हमको धमकी मिल रहा है। तो उसके बाद जो है DSP सत्यम जी और DSP नीरज जी के साथ इंस्पेक्टर जो अपने हैं लव और सुनील तिवारी जी, इन लोगों के माध्यम से टीम क्रियाशील थी, लगातार इसलिए हम ट्रैकिंग कर रहे थे। इसके लिए पूर्व में बहुत सारे जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। मीनवाइल हाल फिलहाल एक इंजनेट हुआ कि यह कहीं पे छिपके रह रहा है, और उसी इन्फॉर्मेशन के आड़ में एक ज्वाइंट टीम फ्रेम किया गया था। ATS के साथ रांची पुलिस की टीम थी, और इस टीम के द्वारा इसकी अरेस्टिंग कल अरवल से की गई है, और अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है कि 24 कांड इस पे प्रतिबंधित हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि अब इसको रिमांड पर लेके पूछताछ की जाएगी, तो ये अपने और भी जिस दुर्गे के बारे में है जो कहीं छिपे रह रहे हैं, किस कांड में इसकी क्या संलिप्तता रही है, और इसका जो है बेसिकली जो फिनेंशियल एक्टिविटी ये कहाँ कहाँ रही है, तो उस बारे में विस्तृत अनुसंधान करेंगे।